माइक्रे मार्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डाइनिंग मैट किस तरह से बनाते वो बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर के माइक्रेम कॉर्ड लिए हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन किया है। आप यहाँ पे और कोई भी कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और सीजर एंड लाइटर हमेशा की तरह। ये डाइनिंग मैट बहुत ही इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सजेशन हो तो कमेंट भी कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कॉर्ड लिया है। ये जो लड़ी होती है इसे खोल के मैंने इस तरह से इसका राउंड शेप में, बॉल शेप में इसे बना लिया है। अगर आप इस तरह से इसे बना लेंगे तो जब भी आप कोई वॉल पीस बनाते तो आपको बहुत आसानी होगी। तो हमें जितने मैट की मतलब चौड़ाई चाहिए आप उस अनुसार ये कॉर्ड लीजिए। तो देखिए, मेरे जो मैट की चौड़ाई है वो मैं 12 इंच तक लूँगी, इट मीन्स 1 फीट। तो मैं यहाँ पे मेजर कर लूँगी 1 फीट। तो देखिए, ये जो हमारी कॉर्ड है वो 24 इंच की है। तो मेरे जो जो मैट का साइज़ है वो इतना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसे पिन लगा लिए हैं दोनों साइड में। ये हमारी चौड़ाई है मैट की। अभी हमें इस पर लगाने के लिए कॉर्ड चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे ग्रीन कॉर्ड कट कर रही हूँ। मैं आपको और एक बार बता देती हूँ कॉर्ड किस तरह से कट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे सेंटीमीटर हैं। टेप के दो साइड होते हैं, एक साइड में इंचेस होते हैं और दूसरे साइड में सेंटीमीटर। तो हम जो कॉर्ड का मेजरमेंट काउंट करते हैं वो मीटर में काउंट करते हैं, तो हम इसलिए हम सेंटीमीटर से काउंट करेंगे। और हमें मैट के लिए चाहिए 4 मीटर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1 मीटर तक कॉर्ड ली है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो मैं इसे ही डबल कर दूंगी। तो ये हो गए 2 मीटर। तो मैं इसे फिर से इस तरह से टर्न कर दूंगी तो हमें मिल जाएंगे 4 मीटर। तो हमें 1 4 मीटर की कॉर्ड मिल गई। तो टेप का काम हो गया। अभी हम इसी 4 मीटर से सारे कॉर्ड कट कर लेंगे। हाँ, देखते हैं हम इसमें कितने कॉर्ड लगते हैं, उस अनुसार हम कॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज कॉर्ड लूँगी, जो कि हमारी 4 मीटर की कॉर्ड है। उसे मैंने इस तरह से डबल कर लिया। वो देखिए, इस तरह से इसके ऊपर से बाहर निकाल दूँगी। ये हो गई एक कॉर्ड। ठीक इसी तरह से और एक कॉर्ड लूंगी, इसे भी मैं इसी तरह से डबल कर लूंगी। और इस ग्रीन कॉर्ड के नीचे से फिर इस तरह से बाहर निकालूंगी। मेरा जो मैट बनके तैयार होगा वो पूरा ऑरेंज कलर का ही होगा। इसमें ग्रीन कलर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉर्ड यूज़ किए हैं और ऑरेंज कॉर्ड मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है। आप चाहे तो जो ग्रीन हमारी कॉर्ड है
उसका मेजरमेंट 3.5 भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीटर ही लिया है क्योंकि कुछ लोग बिगनर्स होते हैं तो उनको एडजस्टमेंट जल्दी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये इजी मेथड रखा है कि मैंने सारे कॉर्ड यहाँ पे 4 मीटर ही लिए हैं। अगर आप कॉर्ड थोड़ा बचाना चाहते हो तो जो हम ग्रीन कलर का कॉर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 3.5 मीटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कॉर्ड यूज़ किया है वो मैंने 4 मीटर किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले ऑरेंज 4 कॉर्ड डाले हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कॉर्ड ऐड करूँगी। ठीक इसी तरह से और एक ग्रीन कॉर्ड, उसे भी ठीक इसी तरह से डबल करेंगे और इसके नीचे से इस राउंड सर्कल के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा कलर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं जितने भी कॉर्ड लगाऊंगी सारे में ठीक इसी तरह से लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 ऑरेंज कॉर्ड लगाए हैं, उसके बाद मैंने 2 ग्रीन कॉर्ड लगाए हैं, तो मैं फिर से यहाँ पे 4 ऑरेंज कॉर्ड लगाऊंगी, फिर 2 ग्रीन कॉर्ड, इसी तरह से ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑरेंज, फिर 2 ग्रीन, फिर 4 ऑरेंज, फिर 2 ग्रीन, इसी तरह से मैंने ये पूरे कॉर्ड यहाँ पे डाल लिए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे साइड में 2 कॉर्ड डालने हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कॉर्ड लेती हूँ, हमें दोनों साइड में एक एक कॉर्ड ग्रीन कलर की डालनी है। ओके यहाँ पे एक हो गया और दूसरी साइड में भी एक ग्रीन कॉर्ड डाल दी। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो टोटल कॉर्ड है वो 30 कॉर्ड है, उसमें से जो ग्रीन हमारे कॉर्ड है वो हमारे 10 कॉर्ड है और ऑरेंज वाले जो हमारे कॉर्ड है वो हमारे 20 कॉर्ड है। तो इसका टोटल जो होता है वो कॉर्ड हमारे 30 है और ये जो हमने मिडल वाला जो कॉर्ड डाला है वो 24 इंच का है, उसे हमने डबल कर लिया तो ये 12 इंच का हो गया है। अगर आपको मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दे दूंगी मेजरमेंट। और अगर यहाँ पे मैंने 4 मीटर का मेजरमेंट लिया है, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो मैं एक्चुअल मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो 4 कॉर्ड है ऑरेंज, हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, सिंपल नॉट जो हमारा बेसिक नॉट है। यहाँ पे भी हम सिंपल नॉट लगा देंगे। दो नॉट है इनके बीच में हम और एक सिंपल नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये 3 नॉट लगा दिए। अब जो ये जो हमारा ऑरेंज वाला कॉर्ड है इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो ग्रीन वाला हमारा कॉर्ड है उसमें से हम एक कॉर्ड लेंगे कुछ इस तरह से और ये ऊपर वाला कॉर्ड इसके ऊपर से इस तरह से निकालेंगे। जैसे कि हमने ये किया है ये सेकेंड वाला भी कॉर्ड लेके हम उसी तरह से यहाँ पे पाइपिंग करेंगे।
नॉट को हमेशा टाइट ही लगाइए। आप जितना टाइट नॉट लगाते हैं, किसी भी प्रकार का नॉट आप जितना टाइट लगाते हैं, उतना ही आपका वॉल पीस अच्छे से दिखने लगेगा। अभी जैसे हमने इस साइड से किया है, उसी तरह हम इस साइड से भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम ये कॉर्ड लेंगे, ग्रीन वाला। जैसे कि हमने ये डिज़ाइन बनाई है, उसी तरह से हम आगे सभी डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ये जो हमने कॉर्ड डाली है उनको ठीक से टाइट कर लीजिए, फिर यहाँ पे सिंपल नॉट लगाइए, इस तरह के पिन का सहारा लीजिए, उससे आपका वॉल पीस और भी अच्छे से बन के आएगा और करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी ज़्यादा। ठीक उसी तरह से एक ग्रीन कॉर्ड लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ग्रीन का कॉर्ड हमारी बची है, तो ये कॉर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था दो डिज़ाइन, उसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट की है। अब जो है हमें यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ग्रीन कॉर्ड है, यहाँ पे हमें चार ग्रीन कॉर्ड मिलते हैं, तो उसमें से सबसे पहले वाला जो ग्रीन कॉर्ड है उसे लेके हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये सेकेंड वाला जो ग्रीन कॉर्ड है उसे लेके यहाँ पे फिर से डिजाइन बनाएंगे। तो ये हो गया साइड वाला पोर्शन, इसे छोड़ देंगे हम। अभी देखिए यहाँ पे ये दो ग्रीन नॉट है हमारे, उसके बीच के जो ऑरेंज कॉर्ड है उनको लेके हमें फिर से यहाँ पे डिजाइन बनानी है। तो उसके लिए देखिए मैं ये मिडल वाले चार कॉर्ड लूँगी और इसका सिंपल नॉट लगाऊंगी। फिर यहाँ पे ये जो अभी हमने नॉट लगाया था उसके जो दो कॉर्ड है वो लेंगे और साइड वाले दो कॉर्ड, इस तरह से चार कॉर्ड लेके यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे फिर से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम नॉट लगा लेंगे। फिर जो है यहाँ बीच के जो चार कॉर्ड है उनको लेके हम फिर से यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमारे ऑरेंज वाले बीच वाले जो कॉर्ड है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे
और यहाँ पे देखिए ग्रीन कॉर्ड हमारे पास चार है, इनमें से हम दो ग्रीन कॉर्ड लेंगे। और ये जो दो ग्रीन कॉर्ड है इनमें से फर्स्ट वाला ग्रीन कॉर्ड लेके पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद सेकेंड वाला लेके फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर किया था ठीक उसी तरह से। सेकेंड कॉर्ड मैंने लिया, अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है उसी तरह से हमें ये जो हमने आधे कॉर्ड यहाँ पे रखे है ऑरेंज, उनको लेके डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी चार ग्रीन कॉर्ड थे, तो दो हमने यहाँ पे लिए है और ये जो दो बचे है उनको हम इस साइड में लेंगे। ठीक उसी तरह से पहले कॉर्ड को लेके डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये जो है सेकेंड वाला ग्रीन कॉर्ड उसे लेके सेम यही डिज़ाइन हम फिर से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चार ग्रीन कॉर्ड है उनको लेके हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, सिंपल नॉट लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से ये हमारी पहली डिज़ाइन बनके रेडी है। मैं आपको और एक डिज़ाइन यहाँ पे बना के बताती हूँ। सबसे पहले मिडल वाले जो ऑरेंज कॉर्ड हैं उनको हम लेंगे, बीच वाले चार, और यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे। सारी डिज़ाइन बनाइए, मैं ये 15 तक के करूँगी, 15 इंच तक मैं इसे बनाऊँगी। तो अगर आपको इसकी चौड़ाई भी और चाहिए होगी तो आप इसी सीरीज़ में मतलब कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कॉर्ड इंसर्ट कीजिए, और एट द एंड आप यहाँ पे सिंगल जो आप बीच में कलर डालते हैं वो सिंगल सिंगल कॉर्ड साइड में डाल दीजिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसकी साइज़ बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम
भी कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला सेम वही है, जितने चाहिए उतने कम कर दीजिए, लास्ट में एट द एंड आप एक एक कॉर्ड यहाँ पे लगा दीजिए। आप चाहे तो इसमें बीट्स भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे बीट्स इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे ग्रीन कॉर्ड का यूज़ किया है और वो ग्रीन कॉर्ड डिज़ाइन बनने पर इस तरह से बीच बीच में दिखेगा और हमारा पूरा जो मैट है वो येलो बनेगा और बीच बीच में ग्रीन कलर दिखेगा, तो ये बीट्स की तरह दिखेगा, तो इसलिए मैंने इसमें बीट्स नहीं डाले। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से मैंने ये डिज़ाइन 3 लाइन तक कंप्लीट की है और अभी जो मैं कर रही हूँ वो मेरी 4th लाइन है। तो देखिए 4th लाइन में ये ब्लॉक जो है वो 5 ब्लॉक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक बना लिए हैं और एक थर्ड मतलब सेंटर का ब्लॉक है और यहाँ पे और 2 ब्लॉक मुझे बनाने हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो सेंटर वाला ब्लॉक है वो अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ और उसके बाद में मैं फिर इसी तरह से ये 2 ब्लॉक बनाऊंगी। तो अलग तरीका मतलब मैं इसमें नॉट नहीं लगाऊंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉट लगाती हूँ बीच में, उसी तरह से मैं नॉट नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल इसे ऐसे ही प्लेन रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉर्ड डाले हैं और इस साइड से मैं ये बाकी के 4 डालूंगी। अब चाहे तो इसमें बीट्स भी डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगी सिंपल। अब इसके बाद में मैं फिर से जैसे कि हम यहाँ पे लगाते आ रहे हैं नॉट वाले, उसी तरह से ये स्क्वायर 2 कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह की एक डिज़ाइन बनाई थी, ये लाइन मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन बनाई थी। अब जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे मैं इसके नीचे यहाँ पे 2 सेम इसी तरह से 2 डिज़ाइन बनाऊंगी और यहाँ पे सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके थर्ड वाली जो लाइन है वहाँ पे मैं इसी तरह से 3 डिज़ाइन बनाऊंगी और बाकी सब मैं इस तरह से रखूंगी। उसके बाद मैं फिर से 2 बनाऊंगी और फिर से 1, इस तरह से मैं ट्रायंगल बनाऊंगी इस डिज़ाइन का। उसके बाद में मैं ये फिर से 3 लाइन कंटिन्यू करूंगी नीचे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा मैट बन के रेडी है, अभी हमें इसे यहाँ नीचे से एंडिंग करनी है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे हमने ये हाफ डिज़ाइन बनाई थी, उसी तरह यहाँ पे हम जब एंडिंग करते हैं तब यहाँ पे भी इसी तरह से हम हाफ डिज़ाइन ही बनाएंगे। और ये जो मेरी टोटल डिज़ाइन की लाइंस है वो मैंने 12 ली है और मेरे मैट का साइज मैंने इतना रखा है, आपको अगर और बढ़ाना हो तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं। और ये जो बीच में जो सेंटर वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये शायद मैंने वीडियो में दिखाया नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। जैसे कि हम ये सिंपल नॉट लगाते हैं ठीक उसी तरह से मैंने ये नॉट लगाया है बड़ा वाला, सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने ज़्यादा कॉर्ड लेके नॉट लगाए। देखिए यहाँ पे ये टोटल 8 कॉर्ड है, तो यहाँ पे भी 8 कॉर्ड आए थे, तो मैंने मिडल वाले 2 सेंटर वाले ऐसे रखे और साइड वाले कॉर्ड लेके 3 कॉर्ड लेके मैंने ये नॉट, जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाते उसी तरह से ये नॉट लगाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ली है, ये हमारी 1/2 मीटर की कॉर्ड है, तो हम इस कॉर्ड को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और देखिए इस तरह से ये जो नीचे वाले कॉर्ड है उनको इस तरह से हम इसके ऊपर से पाइपिंग करेंगे। तो हमें एक एक कॉर्ड लेके इस तरह से इसके ऊपर से ये डिजाइन बनानी है। तो देखिए इसी तरह से ये हमें पूरी लाइन बनानी है।
इस तरह से ये हमने नीचे से इसे एंड कर दिया है। अब जो ये हमारी जो हमने बीच में जो कॉर्ड डाली थी उसे भी हम एक इंच छोड़ के कट कर देंगे। यहाँ से भी एक इंच छोड़कर कट कर देंगे। और ये सारे हमारे बचे हुए जो कॉर्ड हैं इनको हम एक इंच छोड़ के कट कर देंगे। अब हम इसे स्टिक कर देंगे। हम इसे स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। की डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी और फ्रंट से कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारे ऑरेंज कॉर्ड थे वो हमने यहाँ पे 20 लिया है और ग्रीन कॉर्ड जो हमारे थे वो हमने यहाँ पे 10 लिए हैं। तो टोटल हमने 30 कॉर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं। और जो ऑरेंज वाला हमारा कॉर्ड था वो 4 मीटर का है और ग्रीन वाला कॉर्ड भी 4 मीटर का ही मैंने लिया है। अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसे 3.5 या 3 मीटर भी ले सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा डाइनिंग मैट बन के रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।